हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, वही रोज सुबह के काम जो हम अपने गार्डन में करते हैं। वंडरिंग जू का प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको केयर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखो सुबह सुबह की धूप सर्दियों में कितनी अच्छी लगती है और पौधों पर भी कितनी अच्छी लग रही है। और ये है मेरे वो काम जो कभी कभी मैं अंदर से इन पौधों को निकाल कर साफ करती हूँ। उन पर बहुत डस्ट आ गई थी, तो सोचा क्यों ना, इस धूप भी है, मौसम अच्छा है, क्यों ना इनकी साफ सफाई की जाए। तो मैं इस तरह से स्नेक प्लांट को वॉश करती हूँ। जब मैं अपने पौधों को वॉश करती हूँ तो एक हफ्ते पहले ही पानी देना बंद कर देती हूँ, क्योंकि जब वॉश करते हैं तो बहुत सारा पानी चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो शाइन करती हैं लीफ तो बहुत सुंदर लगती हैं। एक प्लांट है मेरे पास बहुत खूबसूरत सा, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसे गमले में ना लगा कर बास्केट में लगाया जाए, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है। विंटर्स में भी पिछले साल मैंने बास्केट में ही लगाया था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस साल भी मैं बास्केट में लगाऊंगी कुछ फ्लावर वाले जो प्लांट है मेरे पास। इस पॉट से भी मुझे कुछ मिट्टी निकालनी थी, क्योंकि मुझे इसमें भी एक प्लांट है जो लगाना है, और ये मिट्टी बहुत अच्छी है, खाद की है और बहुत पोरस है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बास्केट में ये मिट्टी ही निकाल ली जाए। बास्केट में प्लांट लगाने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि उसमें छोटा सा एक होल कर लें, एक या दो कर लें, बहुत अच्छा रहता है प्लांट के लिए। नहीं तो बास्केट में क्या होता है, पानी भरा रहता है और जो हमारा प्लांट होता है वो खराब हो जाता है। आपने देखा होगा हम जितने भी गमले लेते हैं, छोटे लेते हैं, बड़े लेते हैं, हर गमले में होल होता है। और आपने ये भी देखा होगा जितने भी हम बास्केट लेते हैं उनमें होल नहीं होता है, तो इसलिए हमें ही होल करना होता है, क्योंकि हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं। कुछ बेल हैं हमारे पास, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो खराब नहीं होते, उनमें पानी भी नहीं डालना होता है, ओनली स्प्रे करना होता है। तो ये जो हमारे फ्लावरिंग वाले जितने भी प्लांट हैं ये खराब हो जाते हैं अगर हमारे बास्केट में होल ना हो। इस प्लांट को आप देखकर पहचान तो गए होंगे कि इस प्लांट का नाम क्या है। ये बड़ा सुंदर सा है, इसकी सेप बटरफ्लाई की तरह होती है और ये ज्यादा केयर भी नहीं मांगता। ये पेंजी का फ्लावर है और मैं इसको हमेशा बास्केट में ही लगाती हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है जब हमारी बालकनी में बास्केट टंगी होती है और मैं इन्हें जब राउंड राउंड करके घुमाती हूँ और देखती हूँ और बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। और ये लगाना भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही हार्ड काम है। आप अगर इसे नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो अब फिलहाल जो इन फूलों की जो मिट्टी आ रही है वो चिकनी नहीं है, अच्छी सॉफ्ट आ रही है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं और इस मिट्टी को हटाकर भी लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि चिकनी मिट्टी है तो उसको हटा दें, क्योंकि उसमें इसकी रूट्स कम फैलती है और जो फ्लावरिंग है वो कम होती है। अब देखो मैंने इसमें कितना पानी दिया है, मैंने इसको फुल भर लिया है और जो मिट्टी नीचे बैठनी होगी वो बैठ जाएगी और बहुत अच्छे से जो इसकी रूट्स हैं वो फैलेंगी, ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा इस पॉट में। और देखो नीचे से जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल गया, और अब कम से कम एक हफ्ते तक मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी और ये बहुत अच्छे से चलेगा। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बास्केट तो बहुत पसंद थी, तो मैंने बहुत सारी बास्केट ली और उसमें प्लांट लगा दिए। मुझे जब तक ये भी नहीं पता था कि किस बास्केट में किस पॉट में कौन सा प्लांट लगाना है, और मैं हर रोज पानी भर देती थी तो क्या होता था, उसमें पानी भरा रहता था तो मेरे प्लांट खराब हो जाते थे। तो धीरे धीरे जैसे मालूम हुआ, जब तक तो ऐसे फोन भी नहीं थे, तो तब मुझे पता चला कि इसमें जो अगर हम होल कर देते हैं नीचे से तो पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो नीचे से निकल जाता है। तो मुझे मालूम नहीं था, तो मेरे सारे पौधे खराब हो जाते थे। अभी ये प्लांट छोटा ही है और मैं छोटा ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे इनकी केयर करना बहुत अच्छा लगता है और जब ये बास्केट भर जाएगी तो बहुत सुंदर लगेगी। और एक प्लांट और है जो मेरे पास है, वो बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है और मुझे आज उसका पॉट भी चेंज करना है, क्योंकि एक साल हो गया है इस प्लांट को इसमें और मुझे छोटे पॉट चाहिए, तो क्यों ना इसको बड़े पॉट में शिफ्ट किया जाए। ये सैनचेजिया का प्लांट है और ये मैंने कभी कटिंग से लगाया था एक साल पहले, और जब मैंने इसको लगाया था ये सूख भी गया था, क्योंकि हम 15-20 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए थे। और जब मैंने इसकी कटिंग को वापस इस पॉट से निकाला तो वो सारी सूखी हुई थी और एक इंच बची थी जो ग्रीन थी। फिर मैंने वापस इसको इसी पॉट में लगा दिया और देखो आज ये पौधा इतना बड़ा हो गया है।
आप देख रहे हैं इस पॉट में एक साल से लगा हुआ है और इसकी जो रूट्स हैं कैसे राउंड राउंड शेप में घूम गई थी, तो इसमें पानी निकलना बंद हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी चेंज किया जाए। तो कुछ प्लांट हैं विंटर से पहले जो हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो ख़राब होने का डर रहता है। वैसे तो मैं कभी भी शिफ्ट कर लेती हूँ, मेरे प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। तो इस प्लांट की एक्स्ट्रा रूट्स है वो मैं निकाल दूंगी और इस पॉट में लगाऊंगी, तो ये काफ़ी साल तक इस पॉट में सर्वाइव करेगा और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसे विंटर्स में लगा रही हूँ, ये ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं सैनचेजिया प्लांट की केयर की। तो मैं इसमें वही खाद देती हूँ जो मेरे यहाँ बनता है, ऑर्गेनिक खाद जो लीफ से बनकर तैयार होता है, जिसमें खास बात होती है कि नीम की पत्तियाँ होती है, उससे किसी भी पौधे में फंगस नहीं लगेगा। आपने देखा होगा मैं गोबर की खाद यूज करती ही नहीं हूँ, कभी मैंने अगर की भी थी तो मेरा जो मार्बल है वो खराब हो गया था, तो मैं गोबर की खाद यूज नहीं करती हूँ, यही ऑर्गेनिक खाद यूज करती हूँ। और आप भी कर देखना, अगर आपके यहाँ मार्बल या टाइल्स लगी हुई हैं तो उनके निशान बिल्कुल नहीं आएंगे। ये पौधा ये नहीं चाहता है कि मुझे हर रोज पानी या खाद दें, लेकिन ये पौधा चाहता है कि मुझ पर हर रोज स्प्रे हो। स्प्रे कर देखना आप अपने पौधे पर कैसे खिलता है, कैसे इसकी लीफ साइन करती हूँ, देखने में तो ऐसा ही लगता है जैसे अमरूद का पौधा हो। और जब आप इस पर स्प्रे करेंगी तो इसकी लीफ और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मैं आपको जो ये तो छोटा है कटिंग से जो मैंने तैयार किया था, जो मेरे पास यही बड़ा पौधा है आप उसको देखना, जब मैं उस पर स्प्रे करती हूँ तो जो नीचे से उसकी लीफ है वो छोटी है, जो ऊपर से है बहुत बड़ी है। बस एक साल में दो बार इसको खाद दे दीजिए और हफ्ते में पानी, और स्प्रे अगर हफ्ते में आप 3 बार भी कर देंगी तो ये पौधा बहुत खुश रहता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है, सर्दियों में और गर्मियों में बहुत अच्छे से चलता है, इस पे तेज धूप का भी कोई असर नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय।